प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है दस का दम आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल यूनिट डाइमेंशंस और मेजरमेंट हमेशा दो मिनिमम क्वेश्चन तो आते हैं कभी तीन भी आए जरा देखें 21 में तीन 22 में चार 23 में दो तो ये तो मान के चलो मिनिमम आपके दो क्वेश्चन तो आते ही हैं अभी देखते हैं इसके अंदर टॉपिका यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट तो दो क्वेश्चन तो दिख ही रहे और कभी कदर आपके क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट उसके मेजरमेंट उस पर भी आ सकते हैं तो हर तरीके हमको प्रैक्टिस करके इनके क्वेश्चन का स्कोर अपने कब्जे में करना है जरा देखते हैं कैसे क्वेश्चन है बीच में अपन डिस्कस करते रहेंगे अब जैसे डायमेंशन की बात आई आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँ कि पूरे फिजिक्स में कोई भी आपके किसी कॉन्स्टेंट की किसी भी चीज की डायमेंशन आ जाए और आपको कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि आपके पूरे फिजिक्स में फोर्स आराम से कभी भी घुस जाता है

करंट के साथ से एमपेयर होगा लेकिन ध्यान रखना भूल कर भी गलती मत करना एम यहां पर क्या है मास कन्वर्ट कर लो फिर कोई सी भी एनर्जी स्टोर हो हाफ सी बी स्क्वायर हो हाफ एल आई स्क्वायर हो आप आराम से उससे कुछ भी निकाल सकते हैं ठीक देखते हैं क्वेश्चन के साथ साथ अब इसकी दिख जाएगी इंपॉर्टेंस पहला क्वेश्चन ए पार्ट इसका आपको मालूम है ये चीज हमेशा क्या होता है यूनिटलेस क्योंकि आपको मालूम है अगर ये अल्फा तो एक्स के हिसाब से एक्स मीटर तो वन बाई एक्स बीटा ये टी तो वन बाई क्या टाइम खत्म हो गया क्वेश्चन पूछा क्या बीटा बीटापॉन अल्फा तो बीटा कौन है वन अपॉन टी अल्फा कौन है वन अपॉन एल ऊपर एल नीचे बोलो टी यानी कि एल वन टी माइनस वन एल वन टी माइनस वन एम तो आई नहीं रहा इसका मतलब आंसर फोर्थ alpha वन upon एल बीटा वन upon टी बीटा upon alpha, नीचे रह गया टी ऊपर चला गया एल एल upon टी यानी कि एम जीरो एल वन टी माइनस वन आराम से तसली से इसमें जल्दी ना हो जाए क्योंकि इसमें देखने में एक जैसा लगता है सिंपल सा क्वेश्चन सही मिस्टेक ना हो जाए लेने के देने ना पड़ जाए एक और क्वेश्चन B पार्ट अब देखिए ये यहां पर क्या है मीटर एक तरह से देख रहा है एक्सेलेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब ये पूरा भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो मैं कह सकता हूं यहां से ए टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि एल टी माइनस टू वॉट इज ए ये भी टाइम तो एल टी माइनस थ्री ए हो गया वॉट इज बी एल टी बने से ये ऑप्शन फेल ये फैन अभी रह गया व्हाट इज यहां पर बी बी के हिसाब से आप देख रहे हो मेरा ये बी के हिसाब से ये यह यहां पर पूरा बी इंटू वी क्योंकि एक जैसी क्वांटिटी होगी अगर ये यह आपका यहां पर एक्सेलेशन है तो ये भी एक्सेलेशन ये भी एक्सेलेशन तो बी वी इज इक्वल टू वॉट एक्सेलेशन यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बी क्या है एलअपॉन्टी कैंसिल एक ऊपर जाके टी माइनस वन तो बी हो गया आपका टी माइनस वन इसका मतलब मेरा जवाब सेकेंड सिंपल सा कोई रिलेशन आ जाए कभी भी लिख हैं प्लस माइनस कुछ भी हो ये क्वांटिटी एक ही नेचर की होनी चाहिए अगर ये एक्सेलेशन है मान लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेशन लिस्ट लिस्ट एंड स्टेंट जी खटाक साहब बना सकते हो इसमें जो आपको मालूम हो उससे फटाफट कर लो एनर्जी पहले देखो कोई सी भी एनर्जी हो न्यूटन इंटू मीटर यानी कि एम मन में इंटू एल किया एल वन एल टू तो टी माइनस टू ये बी है कहाँ पर है एम वन एल टू इसका बी के साथ फोर बी के साथ फोर ये फेल ये फेल अब रह गए दोनों अब आ जाए इसके बाद आपको कौन सी इजी लगती है अगर मैं कॉन्स्टेंट को बनाऊ तो मेरे पास कॉन्स्टेंट के हिसाब से या पोटेंशियल को लिखना चाहो तो ये होता है वर्क अपॉन यहां पे मास व्हाट वर्क न्यूटन इनटू मीटर अपॉन मास मास मतलब ये मीटर है या मास यानी केजी कह दीजिए अब देख दीजिए न्यूटन मैंने आपसे कहा हमेशा रखना एम एल टी माइनस टू इंटू मीटर एल अपॉन मास एम एम एल टू टी माइनस टू मेरा बना पोटेंशियल सी एल टू टी माइनस टू सी से गया वन सी से वन ये फेल हुआ सी से थ्री ये मेरा आंसर हो गया बाकी आपको आती कर सकते हो अभी तो हमको कॉलम के हिसाब से ये देखना कि ऑप्शन कौन कौन से फेल हो रहे हैं कर सकते हैं ध्यान रखना बारी बार कह रहा हूं न्यूटन को हमेशा अपने दिमाग में रखो एम एल टी माइनस टू ये बहुत फास्ट कराएगा डायमेंशन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी यानी कि डी इज इक्वल टू म्यू आपको मालूम है म्यू के हिसाब से वी अपॉन ई शुरू कर दीजिए मीटर पर सेकेंड मन में सोचते हुए एल अपॉन टी ई का मतलब न्यूटन अपॉन कुलाम एल अपॉन टी न्यूटन मतलब एम एल टी माइनस टू आ रहा काम कुलाम मतलब ए इंटू टी एक टी कैंसिल और एल से एल कैंसिल ऊपर जाके एम माइनस वन एल घट गया है टी प्लस टू और ए वन ऊपर जाके टी प्लस टू ए वन और एम देखें मोबिलिटी आपकी डायमिशन क्या एम माइनस वन टी टू एम माइनस वन टी टू ये गलत है <coughs> ही नहीं पे टी टू ए वन ये आंसर हो गया <coughs> बारी बार आपका न्यूटन काम आ रहा है भूलना मत फिर तो तो याद दिलाऊंगा बारी बार एम एल टी माइनस टू यानी एम वन एल वन टी माइनस टू गुलाम को लिख दिया एमपियर इंटू टाइम की डायमेंशन प्रैक्टिस कर रहे हैं M. M हो L हो, एक ही है. अब आपको मालूम एनर्जी वन बाई क्या करते हैं हम जानते हैं बी इन टू ए फिर बी आ जाएगा आपका टेस्ला भटक गए लटक गए बोले हो गया फैसला छोड़ दो क्वेश्चन को हालत हो जाएगी ये लेकिन अगर इसको देखें खटाक से एनर्जी दैट इज जूल जूल मतलब न्यूटन टू मीटर और आई एम्पियर स्क्वायर नीचे आ जाएगा ये मेरे को डायमेंशन मिल जाएगी एल की जो एल की होगी वो किसकी होगी एम की क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है हेनरी न्यूटन एम एल टी माइनस टू मीटर मतलब एल वन और एमपियर स्क्वायर देखिए क्या बना एम वन एल एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू डायमेंशन एम वन एल टू टी माइनस टू एम वन एल टू टी माइनस टू ये हमारा खत्म ये हमारा एम वोटी माइनस टू ये भी खत्म माइनस में आना चाहिए अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा था एम का ख, खटाक से मन L o के एम एक ही है एनर्जी में चलेगा हाँ स्क्वायर एनर्जी जूल मतलब न्यूटन टू मीटर बस न्यूटन को ध्यान रखिए और कर लीजिए बाकी मतलब नहीं वन बाई वगैरह से एल निकाल लीजिए न्यूटन मीटर अपॉन आई, स्कौर, आई स्कौर मतलब ए स्क्वायर और इसको आप सॉल्व कर सकते वाटर डिपेंड्स ऑन देयर वेव लेंथ डेंसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटी यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वॉट अब देखो ये यहां पर जी है और हम जनरली अगर देखें लेमडा यहाँ पे मीटर है अब आप ध्यान को काइनेमटिक्स में आप पढ़ते हैं तो वी स्क्वायर इजिगल टू टॉइस ए एस जब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो स्मार्टनेस है ही है और कुछ नहीं एक आप अंडर ग्रेविटी बोलते वी स्क्वायर इजगल टू जी एच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अगर वो ऊपर रेस्ट से छोड़ दें इसका मतलब टू तो फैक्टर है तो मेरा वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए इन टू एस दिख रहा है इसका मतलब ए तो काम करेगा जी का और एस करेगा किसका का लेमडा का क्योंकि लेमडा की यूनिट भी मीटर है एस की भी मीटर है ए के भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी के भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मैंने स्मार्टनेस से अपना जवाब दे दिया कि इसका रो आंसर नहीं आएगा रो नहीं आना चाहिए रो नहीं आना चाहिए रो नहीं आना चाहिए रो से फ्री होना चाहिए ए सी एक तरह से काम कर रहा है लेमडा जी का फिर भी इसका तरीका अगर आपने देखना हो तो जैसा बोला ऐसा स्टार्ट कर दीजिए वी इज प्रपोर्शनल टू क्या क्या है लेमडा की पावर मान लो एक्स डेंसिटी की पावर मान लो वाई और ग्रेविटी के हिसाब से इसको मान लो जेड अब रखना चालू कर दो डायमेंशन को वी का मतलब एम जीरो माइनस वन लैमडा का मतलब केवल एल वन की पावर एक्स बाकी लिखने जरूरत ही नहीं रो का मतलब के जी पर मीटर क्यूब डेंसिटी है के जी के जी मतलब मास पर मीटर ऊपर जाके एल माइनस थ्री की पावर वाई और जी का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एल टी माइनस टू की पावर जेड मतलब अब देखिए आप सबसे पहले एम की पावर जीरो है और यहां पे जैसे मैं करूंगा इसके लिए तो एम की पावर यहाँ पे वाई है एल को जोड़ो तो एल के हिसाब से यहाँ M है नहीं यहाँ पे एम की पावर वाई एल की पावर एक्स माइनस थ्री वाई इधर जोड़ा और इधर जेड एम को अलग से यहाँ दिखाई लिख दिया कोई बात नहीं और टी को अगर देखो तो यहाँ पे टी की पावर माइनस टू जेड कंपेयर करेंगे दोनों साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो आप प्रैक्टिस करते हो तो दिख रहा है मेरे को एम की पावर वाई लेकिन एम की पावर वाई का मतलब इक्वल इक्वल का मतलब डेंसिटी के ऊपर अच्छा क्वेश्चन चलिए साहब परसेंटेज चालू हो गया, तो गया।, अच्छा चाल गया। इसको तो आपको मजा आता है इसके अंदर फटाफट आपको मालूम है ये दे रखा है फॉर्मुला बनेगा खटाखट बस अभी तो मैं इसलिए से लिख रहा हूं और आप जवानी क्वेश्चन करेंगे केवल मैं क्या मन में सोच रहा हूं इसलिए लिख रहा हूँ अब आपको मालूम है आई के लिए कितना के के लिए two, two percent. क्योंकि into hundred कर रहा मान चलना तो अपने आप ये में कन्वर्ट हो जाएगा और डी के लिए भी टू परसेंट टू 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 सिक्स परसेंट खत्म देख रहा है ना आई में टू आ रहा है तो टू इंटू वन टू परसेंट ये टू है, है. है नहीं तो टू प्लस टू प्लस टू सिक्स परसेंट <coughs> कई बार इस पर क्वेश्चन आया किसपे पूछा है क्वेश्चन बार आपसे पूछा इन मैनेजमेंट ऑफ जी खटाक से फॉर्मूला बनाया डेल्टा जी अपॉन जी ये फ्रैक्शन चल रहा है फोर पैसे मतलब नहीं है आपका डेल्टा एल अपॉन एल ऊपर जाके ये तो का मस्ती हमेशा बस साइन प्लस करना है इन टू हंड्रेड कर दीजिए जगह कम तो इसलिए वापस लिख रहा हूं इन टू हंड्रेड और ये परसेंटेज कन्वर्ट हो गया डेल्टा एल अपॉन एल पॉइंट वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन टू बी है हंड्रेड इंटू वन बाई हंड्रेड टू बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड थ्री बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड यानी कि थ्री परसेंट ऐसे आने चाहिए क्वेश्चन खटाखट हलवा दिखाओ अपना जलवा फटाफट स्कोर करके आगे बढ़ो मेटल वायरस मास ये मास ये मास तो ये इसका डेल्टा एम ये रेडियस तो इसके लिए डेल्टा आर ये लेंथ तो इसके लिए डेल्टा एल मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज डेंसिटी डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल सिलेंड्रिकल के लिए क्योंकि तो हर वायर क्या होता है सिलेंड्रिकल बना तो फार्मूला खटाखट डेल्टा रो अपॉन रो डेंसिटी चल रही है यहां पे डेंसिटी मत रेस्टिंग मतलब नहीं डेल्टा एम अपॉन एम टू टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इन टू कर दो हंड्रेड तो हो जाएगा परसेंटेज राइट डेल्टा एम अपॉन एम रख दीजिए पॉइंट फोर अपॉन ऐसे दिख रहे हैं टू इंटू डेल्टा आर पॉइंट ये मैंने जल्दी में गलती कर दी अब ये टाइम कितना है ऊपर है जल्दी में गलती हो गई पॉइंट जीरो जीरो टू और ये पॉइंट फोर टू डेल्टा आर वो दूसरे को लिखने लगा तो आ गया था पॉइंट जीरो जीरो वन अपॉन आर थोड़ा एक्साइटमेंट चल रहा है कुछ नहीं इज टॉपिक डेल्टा एल पॉइंट जीरो टू अपॉन फाइव इन टू हंड्रेड सॉल्व कर लीजिए हो जाएगा जो भी होता है जो भी आएगा सॉल्व कर लेना खास बात नहीं बस डेसिमल को ढंग से करना अगर करना चाहते हो तो देख लीजिए ये आपका चल रहा है ये डबल हो गया तो ये पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू अपन पॉइंट थ्री ये पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू अपन पॉइंट फोर ये पॉइंट जीरो टू अपॉन फाइव इन टू हंड्रेड हो जाएगा सॉल्व जो भी आंसर सही होगा द मेन स्केल ऑफ कैलिपर्स है एक सेंटीमीटर एन डिवीजन है एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इसका मतलब यू लिख सकते हो एन डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल के हिसाब से एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन यानी एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने बराबर हुआ एन माइनस वन अपॉन एन एम एस डी अब लिस्ट काउंट क्या होता है लिस्ट काउंट होता है वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी इस वन वी एस डी को यहाँ रख दीजिए वन एम एस डी पेन चल रहा है कोई गलती ना हो जाए इसको ब्रैकेट बना रहे हैं एन माइनस माइनस के हिसाब से और ये प्लस हो जाएगा तो इसका वन अपॉन एन एम एस डी मेरा लिस्ट काउंट अब इस फॉर्म में है लेकिन एम एस डी में एक डिवीजन एन डिवीजन में एक सेंटीमीटर है एन डिवीजन में एक सेंटीमीटर है तो एक डिवीजन में क्या होगा वन बाई एन सेंटीमीटर तो जहां एम एस डी बनाए वन डिविजन एम एस डी वो वास्तव में किसके बराबर हो गया वन बाई एन सेंटीमीटर तो वन बाई एन इंटू वन बाई एन अब ये बन गया सेंटीमीटर ये वन बाई एन स्क्वासिकॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए बाकी आराम से देखो ढंग से पढ़ो कौन एन है कौन एन माइनस वन है एन डिवीजन ऑफ वन स्केल ऑन साइड वेथ एन वी एस डी के हिसाब से मेन स्केल का एन माइनस वन को बराबर है तो यहां से आपने एक वी एस डी निकाल लिया उसको उठा के यहां रख दिया पूरा जब एम एस डी में आ गया लिस्ट अभी में में आ गया by N MSD. लेकिन आपको मालूम है ऊपर बोला N division per इसका मतलब N division में वो था तरीका कितना लग रहा एक centimetre. एक division MSD की value मतलब एक MSD. एक की मतलब कितना होगा वन बाई एन सेंटीमीटर उसको रख दिया तो आपका जवाब मैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बाद में न्यूमेरिकल में हो सकता है इसलिए क्वेश्चन ए के साथ बी भी दे रखा है प्रैक्टिस करने के लिए अब इसको जवानी कर सकते हो टेन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इलेवन डिवीजन ऑफ दन स्केल यानी कि इलेवन वी एस डी बराबर टेन एम एस डी खटाक से यानी एक वी एस डी बराबर टेन बाई इलेवन एम एस डी वॉट इज लिस्ट कहा आपसे वन माइनस टेन बाई इलेवन एम एस डी कॉमन कर दिया यानी वन बाई इलेवन एमएसडी अब यहां पे एक एमएसडी कितने के बराबर है फाइव यूनिट के बराबर तो रखो यहां पे 5, तो पे आ रहा समझ में वापस वही तरीका पढ़ने में ध्यान रखना इलेवन वीएसडी इक्वल टू टेन एमएसडी ये पढ़ने में उल्टा ना हो जाए आराम से पहले वन वीएसडी तैयार कर लो लिस्ट काउंट आपको मालूम है जैसे फॉर्म में आ वन एम एस डी वन एस डी उठा के रखा एमएसटी कॉमन हो जाएगा तक जवाब सही है, लेकिन क्या दे रखा है एक डिवीजन, पांच रख पांच, पांच Again, मैं डिवीजन यूनिट्स के बराबर क्वेश्चन आने की उम्मीद दिख रही है, है बाद में स्क्रू गेज भी आएगा देखते हैं लेकिन एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा आ गया स्क्रू गेज द फॉलोइंग रीडिंग्स टू मेजर डायमीटर ऑफ वायर अब देखिए यहां पे दो है मेन स्केल और एक स्केल सर्कुलर स्केल कभी भी आपसे डायमीटर रेडियस कुछ भी पूछा जाए जो भी पूछा है डायमीटर और रेडियस वो क्या होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इन टू लिस्ट का ये यह फॉर्मूला याद रखना है एम टी आर ताकि क्वेश्चन आपका रुके नहीं अब मेरे पास रीडिंग दिख रही है मेन स्केल की तो जीरो सर्कुलर की फिफ्टी टू केवल रहेगा लिस्ट काउंट बाकी और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा अब लिस्ट काउंट के लिए आपको आगे दे रखा वन एम एम मेन स्केल लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का क्या होता है ध्यान रखना यहां बोलते हैं वन एम अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वन एम कितना है वन एम चाहो तो उसको अपन कन्वर्ट से कर सकते सेंटीमीटर कर सकते हैं और सर्कुलर पर कितना हंड्रेड पॉइंट वन सेंटीमीटर अपॉन हंड्रेड यानी कि वन बाई थाउजेंड सेंटीमीटर हो गया रख दीजिए यहां पर एक क्वेश्चन अगर ये होता तो लिस्ट काउंट का एक क्वेश्चन खत्म हो गया आपका ओके okay. और अगर यहां पूछा इस समय कि डायमीटर कितना होगा मेजरमेंट में तो ये तो हो गया जीरो तो हटे कोई मतलब ही नहीं फिफ्टी टू इंटू लिस्ट काउंट वन अपॉन थाउजेंड लेकिन जवाब किस में सेंटीमीटर में यानी कि सेंटीमीटर, 26 नहीं, नहीं, 26 नहीं। ये नहीं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन क्वेश्चन पक्का आएगा। ध्यान रखना, कैलिपर्स और स्क्रू गेज। लिस्ट काउंट पे होगा या उससे मेजरमेंट जो उस पर हो लेकिन आप कर सकते हो लिस्ट काउंट अपने आप में आपको दोनों को लिखना आता है उधर तो सावधानी रखनी थी हमको कि किसके कितने डिविजन कॉन्साइड कर रहे हैं और यहां पे ध्यान रखना नंबर ऑफ डिवीजन कितने सर्कुलर स्केल पर और एक डिवीजन जो मेन स्केल पर उसकी वैल्यू कितनी है तो आपसे गलत नहीं होगा अच्छा क्वेश्चन एक क्वेश्चन इंतजार कर रहा है नेक्स्ट टाइम इंटरवल्स मेजर एव क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स ओके व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर पहले तो समझने से पूछा कि परसेंटेज तो आ जाएगा रिलेटिव एरर का मतलब क्या है आपको पहले इन ऑब्जर्वेशन से निकालनी ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू क्या होती है नॉर्मली ट्रू वैल्यू को बोलते हैं इसका मीन अगर ये क्वांटिटी एक्स है तो इसका मीन मीन का मतलब सबको जोड़ दो और जितने उससे भाग दे दो कितने एक दो तीन चार पांच ये तो हो जाएगी इसकी ट्रू वैल्यू जो कि इसका मीन है ठीक है अब पूछा रिलेटिव एरर इसका मतलब जो ये ट्रू वैल्यू आई है इससे हर ऑब्जर्वर जो भी यहां पे ऑब्जर्वेशन दे रहा है उसके हिसाब से ये डिफरेंस जो है वो इसकी है इस समय एप्सुलट एरर उसका रिलेटिव तो वो हमारा होगा मीन एप्सुलट क्योंकि उसके रिलेटिव हम बात कर रहे हैं एरर अब जरा ये वैल्यू पहले कितनी आती देखें क्योंकि इसके बाद हर को देखना है कि इससे डिफरेंस कितना है मैंने इनको जोड़ा ये 1.25 है अगर यहां से हम देखें तो 1.25 तो जोड़ ही जोड़ी दो 1.24 1.27 1.21, 1.28, नो, वन वन 25, 2, 10, नौ 5, 6, चार बीस पच्चीस दो दस दो बारह टू फाइव सिक्स पॉइंट टू फाइव अपॉन फाइव कितना सिंपल जवाब वन पॉइंट टू फाइव तो ये आपकी ट्रू वैल्यू आ गई जिसको आप मीन कह सकते हो वन पॉइंट टू फाइव सेकेंड ओके अब आपको निकालना है इनका पहले एप्सूल एरर फिर उसका मीन तो पहले एरर का मतलब हर को इससे देखो केवल डिफरेंस देखो वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव जीरो प्लस वन पॉइंट टू फाइव पॉइंट जीरो केवल आपको डिफरेंस देखना है साइन नहीं देना है पॉइंट जीरो टू अरे ऐसे बोलो यहां पे है वन यहां पर है टू यहां पर है फोर और यहां पर है कितना थ्री तो वन प्लस टू थ्री प्लस फोर सेवन प्लस थ्री यानी कि टेन यानी कि पॉइंट वन ऊपर जुड़ के आ जाएगा पॉइंट पर नीचे फाइव तो पॉइंट वन अपन फाइव यह कहलाएगी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर ये हो गया हमारा पॉइंट कितना जीरो टू अब मेरे पास पूछा परसेंट रिलेटिव एरर तो ये मेरा हो जाएगा परसेंट रिलेटिव एरर केवल पेन चल रहा है बच्चों दिमाग के हिसाब से कुछ नहीं बेस हमने बना लिया था कि हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है वो हमारे पास है कितनी 1.25 और हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई .02 इनटू 100 हटाया डिसीवन हटाया तो 2 अपॉन 125 इनटू 100 25.25 चार दुनिया 8 अपॉन 5 1.6 परसेंटेज ये क्वेश्चन टाइम ले रहा है लेकिन इसको बस ध्यान से करना है और इसका थॉट क्या है ये समझना जो भी ऑब्जर्वेशन है अभी टाइम के हिसाब से क्लॉक बता रहा है ठीक है मेजरमेंट टाइम का चल रहा है जो भी एक्स है सबको जोड़ दो अपॉन नंबर से डिवाइड कर दो वो उसकी ट्रू वैल्यू जो कि आप मीन कहते हुए आ जाएगी इसका जो ट्रू वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में हर की क्या एरर एप्सोलूट है तो बस कल डिफरेंस देखो वो वन पॉइंट टू 1.24 यानी कि पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो फोर पॉइंट जीरो थ्री एक दो तीन और चार सात और तीन दस यानी कि पॉइंट वन हो गया उसका मीन पॉइंट वन कितने थे पांच अपॉन फाइव पॉइंट वन अपॉन फाइव दैट इज पॉइंट जीरो टू अब आपका आ जाएगा कि वास्तव में जो पूछा है परसेंट रिलेटिव एरर इसका मतलब ऊपर तो आ गया आपका कितना ये जो मीन एप्सुलटर आई है पॉइंट जीरो टू और नीचे आपके पास ट्रू वैल्यू कितनी वन पॉइंट टू फाइव तो आप इसका एक फॉर्मुला बोल सकते हो डेल्टा m मीन अपॉन ट्रू वैल्यू into 100 is equal to जो आपसे पूछा है परसेंटेज रिलेटिव एरर उस मेजरमेंट का उस ऑब्जर्वेशन का मैक इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना नहीं है केवल calculation का टाइम देखना था द measured वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 20 सेंटीमीटर टू एम एक्यूरेसी ओके पॉइंट टू बोल दे सेंटीमीटर में सेंटीमीटर है द टाइम फॉर फिफ्टी फोर्टी सेकेंड फॉर वन सेकेंड रेजोल्यूशन ओके ये डेल्टा टी हो गया ये टी हो गया ये आपका लेंथ के हिसाब से डेल्टा एल और ये एल हो गया फ्रॉम दिस मेजरमेंट लैंग्वेज को भी घुमा रहे हैं कुल मिला के बात करें मेजरमेंट ऑफ एक्सन ड्यू टू ग्रेविटी एन परसेंट खटाक से बोलिए जो अभी अपन ने पहले किया था एजू इज इक्वल टू टू बाई एल अपॉन जी स्क्वायर कर दिया टी स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एल अपॉन जी मुझे जी की बात करनी है तो मेरा हो गया जी इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर बना दो फार्मूला डेल्टा जी अपॉन जी बस पेन चलता जाएगा स्माइलिंग फेस रखिए इससे मतलब नहीं फोर पाई स्क्वायर से ऊपर जाके डेल्टा जो टी वाला है वो डबल हो जाएगा इन टू हंड्रेड कर देंगे परसेंटेज हो जाएगा अब आराम से रख दो डेल्टा एल दैट इज पॉइंट 2 सेंटीमीटर अपॉन 20, ओके okay, 2 टाइम्स डेल्टा टी 1 अपॉन ये अगर मैं देखूँ तो 2 अपॉन 40 ये भी हो गया 1 अपॉन 20. यानी कि 0.2 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20. यानी कि 1.2 अपॉन 20. इनटू क्या करना है 100, बीस पांच सौ पांच इंटू 1.5 पॉइंट बारह पांच साठ यानी कि छः परसेंट बस ये गलती नहीं होनी चाहिए यह गलती नहीं होनी चाहिए कि आपने कन्वर्ट नहीं किया बस यही तो सिली मिस्टेक होती है जब यह सेंटीमीटर उसको तो कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में जब फॉर्मुला बना रहे हो तो आपको मालूम है टी स्क्वायर का ऊपर के हिसाब से क्या होगा टू बस ये गलती हो जाती है और कुछ नहीं ध्यान रखना है द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल बॉब वेन मेजर्ड विद वन यर एलिपर्स फॉलोइंग वैल्यूज ओके ये दे रखिए डायमीटर की पांच ऑब्जर्वेशन मीन डायमीटर ऑफ दिस सबसे पहले बात है मीन का मतलब सबको जोड़ो कितने एक दो तीन चार पांच ये पांचों को जोड़ा और पांच का भाग दिया जो आएगा उसको आपको राउंड ऑफ करना है क्योंकि बात चल रही है सिग्निफिकेंट फिगर्स की अब सबसे पहले बात है कि यहां पे डबल डबल चल रहा है इसका मतलब आपके आंसर में डबल तो आना ही चाहिए तो ये आंसर तो फेल हो गया मेरा आप जोड़ के कर लेंगे अब आ रही कि जो भी आएगा वो कोई तीन तक आएगा और तीन तक आएगा तो उसको बाद में राउंड ऑफ किया जाएगा इसका तो ये आंसर भी नहीं हो सकता ये मेरा फेल किससे हो गया कि दो डेसिमल के दो प्लेस तक आपका ऑब्जर्वेशन इस कलर दो तक तो आना ही चाहिए इसका मतलब ये फेल हो गया और मुझे मालूम है जब इसको करूंगा तो मुझे राउंड ऑफ करना है तो शुरू में दो नहीं आएगा शुरू में ये आएगा अब मेरे को देखना है इसके बाद ये इसमें कन्वर्ट होगा कि इसमें होगा तो राउंड ऑफ करो टू के बाद एट है इसका मतलब ये मैं कन्वर्ट करूंगा तो थ्री पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर ये हो गई आपकी स्मार्ट तरीका ट्रैक कह दीजिए आइडिया सा कह दीजिए स्मार्टनेस कह दीजिए जैसे आपको टाइम सेव करना है स्मार्टनेस थ्री पॉइंट थ्री थ्री ठीक है और बाकी आप इसको जोड़ के करोगे तो पक्का कह रहा हूँ एवरेज निकालोगे ये आएगा थ्री पॉइंट थ्री टू एट मुझे क्यों करना है मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ यह आपको स्मार्टनेस सीखनी चलिए तो भाई यहां पर ये एक खेल खत्म हुआ मेजरमेंट का जिससे आपके दो क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं एक तो मेजरमेंट के हिसाब से लिस्ट काउंट स्क्रूगेज होलीपर्स हो या उसका मेजरमेंट हो और दूसरा क्वेश्चन डायमेंशन का एक, एक एक्स्ट्रा आ सकता है कोई परसेंटेज जो भी अपन इतनी प्रैक्टिस करें उसका तो यहां पर आपके दो या तीन क्वेश्चन तैयार हुए ठीक है बच्चों आज यहां पर बात खत्म करके आज का गुरु मंत्र जरा सोचें क्या बच्चों हमेशा अपने जो भी शुभ चिंतक हैं वो आपके माता पिता हो या आपके कोई <coughs> रोल मॉडल हो आपके टीचर्स हो उनके प्रति हमेशा खुली किताब रहो और उनका जो भी है आपके वो शुभ चिंतक हैं इसलिए वो हमेशा आपका अच्छा ही सोचेंगे तो हमेशा उनके कहने में रहो तो आज से कमिटमेंट करो हम अपने बड़ों के जो हमारे शुभ चिंतक हैं वो हमारे पेरेंट्स हो टीचर्स हो रोल मॉडल हो हमेशा उनके कहने में रहेंगे और उनके साथ बिल्कुल खुली किताब की तरह जिंदगी जिएंगे Keep smiling. All the best.